हेलो फ्रेंड्स, कमर किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज कुछ चटपटा और तीखा खाने का मन कर रहा था, तो हमने सोचा चलो हरी मिर्च का गर्मा गर्म पकौड़े बनाते हैं। तो चलिए आज हम पकौड़े बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमने 1 कप बेसन लिया है, उसमें हमने टेस्ट के मुताबिक नमक लिया है और 1/4 चम्मच कुटी लाल मिर्च लिया है, हल्दी 1/4 चम्मच, और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लेंगे, बस चटपटा हल्का सा बनाएंगे बस, बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं अच्छा लगता फ्रेंड्स। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और बढ़िया से इसको हम फेंट लेंगे। तो ये देखिए फट गया है। अब इसमें हम 1 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे और अच्छे से फेंटेंगे। तो ये देखिए इस तरह बैटर रेडी हो गया हमारा, और इसको हम रख देंगे एक साइड बंद करके। और जो हमने बॉयल करके आलू रखे हैं, इसको हम अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे, और इसमें हम इसको चटपटा बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये अमचूर पाउडर लिया है, आधा चम्मच लिया है। इसको हम चटपटा बनाएंगे, और आवश्यकता अनुसार नमक, सादा नमक, और 1 चुटकी के बराबर काला नमक। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे हमारे स्टफिंग का, आलू के स्टफिंग का। और कुटी लाल मिर्च 1/4 चम्मच डालेंगे, और बहुत ज़्यादा इसमें मिर्ची नहीं डालेंगे, क्योंकि हम मिर्ची का ऑलरेडी मिर्ची का हम पकोड़े बना रहे हैं। और ये देखिए भुना हुआ ज़ीरा, इससे तो बहुत टेस्टी हमारा आलू की स्टफिंग रेडी होती है। भुने जीरे से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, एकदम ताज़ा ताज़ा ज़ीरा भून कर और उसे पीस करके इसमें डाल दें, बहुत अच्छी टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो हमने इसको मिक्स कर दिया। और अच्छा, इसको बनाने के लिए हम इसमें हमारी धनिया महीन कट करके डाल देंगे, और इस हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए मिक्स कर दिया, अब इसे भी हम एक साइड रखेंगे। अब जो हमने मिर्ची रखी है, इसे हमने धो करके सुखा लिया था, और इसका जो बीज है इसको हम निकाल लेंगे। वैसे बीज इसमें ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, उसे हम इस तरह से झाड़ लेंगे कट करके। ताकि ज़्यादा तीखा ना लगे। और इसके अंदर हम जो आलू का स्टफिंग है उसको हम इसमें भरेंगे। तो हमने सब में चीड़ा लगाकर इस तरह से निकाल लिया है इस बीज को, और ज़्यादा बीज नहीं है। तो ये देखिए, अब हमने इसमें जो हमने उसका बीज निकाला था, थोड़ा बहुत निकला था, इसको हमने आलू वाले स्टफिंग में डालकर और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। और जो थोड़ा सा हमने बचा कर रखा था हरी धनिया को, उसमें हम बेसन में जो हमने बेसन फेंट कर रखा था उसमें हम डालकर मिक्स कर देंगे, फेंट लेंगे। और ये हमारा बढ़िया सा बैटर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो मिर्ची हमने रखा है कट करके, इसको हम जो स्टफिंग आलू का है इसको हम इसमें डाल देंगे, भर देंगे अंदर तक बढ़िया सा। ये देखिए इस तरह से हम सबको भर देंगे आलू को मिर्ची के अंदर। और हमारी ताज़ी ताज़ी हरी 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 मिर्च है, और बहुत ही मज़े के हमारी पकौड़े बनते हैं इसकी। तो ये देखिए हमने सारे भर दिए हैं इसमें आलू का स्टफिंग। और अब ये आलू बचा हुआ, इसे हम क्या करेंगे, इसके भी हम पकौड़े बनाएंगे। तो इसका हम इस तरह से गोल शेप दे देंगे,
गोल या लंबा लंबाई में आप जिस तरह शेप देना चाह रहे हैं दे सकते हैं, और इस तरह से हम लड्डू की तरह बना लेंगे। और जो छोटे बच्चे हैं वो मिर्ची नहीं खा सकते मिर्ची के पकोड़े, तो इस तरह से आलू के पकोड़े बन जाते हैं और आराम से बच्चे खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं, बेहद पसंद आएगा आपको। और आलू तो बच्चों का फेवरेट होता है, आलू के पकोड़े आसानी से खा लेंगे, उन्हें मिर्ची भी नहीं लगेगी। तो ये देखिए हमारे दोनों तरह के पकोड़े बनने के लिए रेडी हो गए हैं। और फटाफट से बन जाते हैं हमारे ये पकौड़े। और फ्रेंड्स अगर नए हैं तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और इस तरह से हम पकौड़े को बेसन में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स इस तरह से लगा लेंगे और हाथ से इस तरह से थोड़ा सा इसको हम दबा देंगे हल्का हल्का सा, तो अच्छे से चिपक जाएगा। और फिर से एक कोट करके लगाएंगे हल्का सा। ये देखिए इस तरह से सारे बॉल्स इस तरह से हमने रेडी कर लिए हैं, ये देखिए। अब चलिए हरी मिर्च को जो हमने स्टफिंग भर के रखा है रेडी किया था उसको हम बेसन में इस तरह से डिप करेंगे बेसन के बेटर में। और हमने पहले ही कढ़ाई में रख दिया था तेल, तो सरसों के तेल में हम बना रहे हैं, इससे बहुत ही टेस्टी हमारे पकौड़े बनते हैं। और इस तरह से डिप कर करके हम पकौड़े फ्राई करेंगे। और इस बार हम हल्का फ्राई करेंगे और इसे हम निकाल लेंगे, तो इसे हम दो बार फ्राई करेंगे। और इसे हम उलट पलट करके फ्राई कर लेंगे, इस बार हम ज़्यादा गहरा कलर नहीं आने देंगे, इसको हम हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने हल्का सा कलर आ गया है, इसको हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हमने निकाल लिया है, अब हम क्या करेंगे कि हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं, अब इसे हम चाकू या कैंची की मदद से इस तरह छोटे छोटे से कट लगा देंगे दोनों साइड से मिर्ची में इस तरह से। तो हम दोबारा जब कोट करेंगे बेसन का इसमें तो अंदर तक अच्छे से ये सिक जाएगा, और इसका कोट भी हम बेसन का ऊपर से फिर से लगाएंगे तो बढ़िया से हमारा पकौड़े की तरह अच्छे से शेप में आ जाएगा, कोट अच्छे से चढ़ जाएगा इसमें और अंदर तक अच्छे से फ्राई होगा, कच्चा नहीं रहेगा अंदर तक। ये देखिए कुछ मिर्ची रहते हैं ना जो पकौड़े बनाओ तो थोड़ा सा ऐसा गीले गीले अंदर से रहते हैं, वो चीज़ नहीं रहेगा इसमें और बहुत ही क्रिस्पी हमारे पकौड़े बनेंगे। तो इस तरह से हमने कट लगा लिया है, तो चलिए इसको फिर से हम फ्राई करते हैं। तो इसमें हम बेसन फिर से लगाएंगे ऊपर से, हमने मीडियम आँच किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से हम बेसन फिर से लगाएंगे यही मिर्ची में इसमें, और इसको हम फ्राई कर लेंगे सारे इसी तरह से, हम मिर्ची डिप कर करके डाल देंगे। तो देखिए इसका कोट कितना अच्छे से चढ़ गया है बेसन का, और मीडियम आंच पे इसे हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए एक साइड से हो गया, हम दूसरे साइड भी इसी तरह से पलट करके
बढ़िया सा फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हमारी मिर्ची के पकोड़े का प्यारा सा कलर आ गया है। तो ये देखिए हम उलट पलट करके इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा सा क्रिस्पी क्रिस्पी हमारा कलर आया है पकौड़े का। ये देखिए देख के मुँह में पानी आ गया। ये देखिए इतना बढ़िया हमारा कलर आया है एकदम क्रिस्पी। देखिए पकौड़े का कलर देखिए आप खुद ही देख सकते हैं। तो अब इसी तरह से हम जो बॉल्स वाले पकौड़े बनाए हैं इसे भी हम इस तरह से आलू के पकौड़े इसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे मीडियम आँच में। बहुत तेज़ आँच पे हम नहीं करेंगे, मीडियम आँच पे करेंगे, अच्छे से कलर आ जाए अंदर तक जैसे सिक जाए अच्छे से। तो हम इसे भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स प्यारा सा कलर आ गया, इसका भी हमारा अच्छे से कलर आ गया, इसे भी हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम बाकी के पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से कलर आ गया इसको, इसको भी निकाल लेंगे हम। तो ये देखिए हमारे सारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं और हम इसे डिस आउट करेंगे प्लेट में निकाल कर। ये देखिए और ये रहे हमारे मिर्ची के पकोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम क्रंची चटपटे। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। और ये रहा हमारा मज़ेदार सा चटपटे पकोड़े आलू और हरी मिर्ची की। और ये रहा हमारा मीठे मीठे टमाटर सॉस। और ये देखिए इसके साथ हम तीखा मिर्चा नहीं चटनी नहीं ले रहे नमक मिर्च वाले, क्योंकि हमारी पहले से ही हरी मिर्च की पकोड़े हैं। और इसके साथ हमने मीठी थोड़ा सा मीठी टमाटर सॉस वाला लिया है चटनी। और ये रहा हमारा चटपटा मज़ेदार सा, और इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हरी धनिया से। तो कितना प्यारा लग रहा है देखने में। इसी तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटा हमारा इतना खुशबूदार बहुत ही मज़ेदार हमारा पकोड़ा बनकर रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा लाजवाब सा पकौड़ा हरी मिर्च और आलू के, दो तरह के हमने पकोड़े बनाए हैं और बहुत ही मज़े का है, चटपटे क्रिस्पी एकदम क्रंची। ये देखिए एकदम क्रिस्पी हमारे मज़ेदार से चटपटे पकोड़े बने हैं। और ये देखिए ये भी एकदम हमारी क्रिस्पी बनी है, आवाज़ जब पता चल रहा होगा। सारे पकौड़े हमारे बहुत ही क्रिस्पी ये देखिए बने हैं। और इसे हम आपको तोड़कर भी दिखा रहे हैं पकौड़ों को। ये रहा हमारा आलू का पकौड़ा एकदम गर्मा गर्म मज़ेदार सा चटपटा। और ये रही हमारी हरी मिर्च की पकौड़े, ये देखिए एकदम क्रिस्पी मज़ेदार से अंदर तक अच्छे से सिके हुए हैं। और इसी तरह से हम दूसरा भी दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स अंदर तक एकदम सिका हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। और आलू की स्टफिंग अंदर भरी हुई अच्छे से, बहुत ही मज़े की हमारी ये पकौड़े बने हैं एकदम चटपटे और टमाटर केचप के साथ। तो इसका जवाब ही अलग है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े का
और जो बच्चे भी इसे खा सकते हैं। ये देखिए आलू के पकोड़े इस तरह से, और दोनों ही बहुत ही मज़े के। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।